यहाँ का भी लोगों से मंत्र को ले रहा हूँ, बस यही एक ही जवाब मिलता है कि केंद्र में सिर्फ और सिर्फ मोदी ही होंगे, चाहे किसी भी हाल में कमल खिलना है और हमारे भारत का विकास होना है, चाहे पूरे भारत के लोग क्यों ना उनके पीछे पड़ जाएं, लेकिन मोदी अकेला भारी पड़े हैं। और ऐसा ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि आखिर मोदी हैं क्या, जिन्होंने एक अकेले पूरे भारत को हिला के रखा है, पूरे भारत के विरोधी विपक्षी पार्टी को हिला के रखा है, सभी के जुबान को बंद करके रखे हैं। ये पता नहीं चल पा रहा है कि उन्होंने आखिर विकास, कुछ लोगों का सवाल था कि विपक्षी लोगों का कि आखिर मोदी ने किया क्या है जो हमारे भारत में मोदी को ही लोग चाहते हैं। तो जो मैं देख पा रहा हूँ लोगों का जो मंतव्य को पढ़ पा रहा हूँ, मोदी ने यही किया है जो उनको लोग चाहते हैं। आइए हम कुछ यहाँ के श्रद्धालु हैं जो भक्त आए हैं पूजा करने के लिए, उन लोगों से भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर विकास और हमारे मोदी जी ही क्यों हैं। अभी स्वागत है हमारे चैनल पे। कल का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आना है, तो क्या लगता है, क्या मतलब आपका मन क्या कह रहा है कि सरकार कौन बनेगी? मेरे मन से सिर्फ नहीं होगा ना, लोगों से मतलब लेना मेरा है, लोगों से आपका मतलब लेना सही है, तो सिर्फ मेरे मन की अगर जानी है तो मेरे मन से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे मन में जो रहेगा वो तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसलिए मेरे मन क्या होना चाहिए, 400 पार? 400 पार का बात नहीं है, जो सही है वो होगा, होना चाहिए बिल्कुल, आगे कुछ नहीं। हमारी जिनके तरफ भारी पल्ला रहेगा, जो सही काम किए हैं उनके तरफ जाना, जो सही काम करेंगे और किए हैं उनके तरफ जाएगा, उनका जाना है जाना है बिल्कुल। यानी देखिए सीधे शब्द में इन्होंने समझा भी दिया कि जो सही कार्य किए हैं उनकी जीत पक्की है, हम चाह के भी ना जिता सकते हैं ना हमारे चाहने से हरा सकते हैं। तो ये कल का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आना है फाइनल, आपको क्या लगता है कि बीजेपी कांग्रेस कौन सी पार्टियां सरकार? महाकाल से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आने, अभी तो बहुत अच्छा है 400 पार ही रहेगा जी, और आने वाला समय में मतलब 100% में 20% वगैरह लोग रहेंगे, 80% बीजेपी रहेगी। ये मेरा महाकाल का आशीर्वाद है, ये बाबा से ही प्रार्थना है भगवान भोलेनाथ आशुतोष से कि हमारा सनातन, हमारा हिंदुत्व को जो बचाएगा, जो धरोहर को बचाएगा, उसी के साथ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो यानी कल हमारा जो केंद्र में सरकार बनना है, ये बीजेपी फाइनल बनना है, एकदम श्योर, इसमें कोई रोक नहीं सकता। आपसे एक सवाल हो रहा है हमारा, ये नगर की जय सब काजा, हृदय राखूं कौशलपुरा, जब लंकिनी नाम की राक्षसनी हनुमान जी जब जा रहे थे सजीवन बूटी लाने के लिए, उसमें हनुमान जी को यात्रा अमंगल कर दिया, उसी समय हनुमान जी कहे थे कि हे प्रभु, हे राम, मैं जा रहा हूँ आपके ही कार्य में, लेकिन मेरी यात्रा अमंगल हो गया, तो मैं एक उसी समय उसी क्षण उनको एक श्लोक याद आ गया, चौपाई याद आ गया कि प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखूं कौशलपुर राजा, उसी समय उनकी यात्रा मंगल ही मंगल हो गया और विजय प्राप्ति हो गया। उसी तरह हमारे नरेंद्र प्रसाद मोदी जी जो है प्रधानमंत्री जी, उसी तरह हनुमान जी रूपी बन करके बैठे हुए हैं, राजा ऐसा हो जो प्रजा को लेकर के चले, वही राजा बन सकता है, और राजा ऐसा हो जो कि प्रजा को देखे नहीं, पानी की जगह में आग दे, वो राजा नहीं, राजा ऐसा बनो जो कि प्रजा को लेकर के चले, वही राजा, वही राजतंत्र और राज्य संभाल सकता है। तो आपने देखा जहां तक हम लोगों से मिल पाए हैं, जहां तक लोगों का मंतव्य को हमने ले पाया, जाहिर सी बात है कि हमारे केंद्र में सरकार रेशियो जो चल पा रहा है लोगों के बात से, ये 70-30 का रेशियो चल रहा है, 70% हमारे बीजेपी की ओर वजन जा रहा है और बाकी 30% हमारे कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि कल का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट में क्या कुछ होता है, हम पल पल की खबर आपको दिखाते रहेंगे, तो दिखते जाएंगे, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीएन न्यूज इंडिया। तब तक के लिए जय हिंद।